हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन। हियर आई एम बैक टू कंटिन्यू योर चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, सो क्या करना है? पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी है? नींद भगानी है। सबसे पहले तो नींद भगाइए और पढ़ाई कीजिए मेरे साथ, ठीक है? तो फ्रेशअप हो जाइए फटाफट, पेन और कॉपी उठा के मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, क्या? श्री धराचार्यस रूल। श्री धराचार्यस रूल, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के हमने सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिट थ्योरम देखा था, सेकंड फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर है ना थ्योरम, वो वाला मेथड देखा था। अब ये थर्ड मेथड हम देखने वाले हैं जो कि श्री धराचार्य जी ने हमको दिया है। तो फटाफट से पेन और कॉपी उठा लीजिए, ठीक है? नींद आ रही क्या अभी भी? अरे थोड़ी सी टी और कॉफी ले लो, नींद भग जाएगी दूर। या फिर क्लैप कर लो, क्लैप फॉर दिस सेशन, कम ऑन, क्लैप फॉर दिस सेशन, क्लैप करिए आपकी नींद भगेगी। फटाफट क्लैप कीजिए लाइक दिस। एक्यूप्रेशर होगा, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगा, जिसके कारण आपकी नींद दूर भग जाएगी, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्री धराचार्य जी का जो रूल है, सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है बच्चों इनका, पर वो फॉर्मूला डिराइव करेंगे हम आज, ठीक है? समझेंगे कि वो फॉर्मूला एक्चुअल में आया कहाँ से। तो हमको पता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ए अगर जीरो हो गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से रहेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा बच्चों। समझ में आ रही बात? तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में भी हमने ऐसा सॉल्व किया था। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी वही चीज़ें करनी है। उसमें क्या करते थे हम, फर्स्ट स्टेप जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट हुआ करता था उससे हम डिवाइड कर देते थे, तो क्या हो जाता था, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू जीरो। देन कॉन्स्टेंट टर्म को हम ट्रांसपोज कर देते थे, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए, है ना? फिर क्या करते थे, इसी में एक्स वाले टर्म में हम टू बाई टू से इंटू कर देते थे, तो हमको क्या मिल जाता था, टू बी पॉन टू ए इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। देन ये जो b बाई ए टू ए है, इसको हम स्क्वायर करके दोनों तरफ ऐड कर देते थे। यही होता था कि नहीं होता था, याद आ रहा है कि नहीं? अरे नहीं याद है तो पीछे का वीडियो देख के आओ ना बच्चों, कैसे करते हैं हम लोग, देख के आना चाहिए ना, तो देख के आइए, ठीक है? और अगर नहीं देख के आएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉरी शक्तिमान बोलना पड़ेगा, शक्तिमान नहीं शक्तिमान, शक्तिमान मत बोल देना। तो दोनों तरफ हमने b बाई टू ए का स्क्वायर करके हमने एडिशन करवा दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो x प्लस बी बाय टू ए का होल स्क्वायर इधर मिल जाता था हमको, और इधर क्या मिल गया, माइनस सी बाय ए प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर ए स्क्वायर। देन तो ये हमारा रूल था किसका, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का। इसके बाद हम स्क्वायर रूट लेंगे, है ना, फिर हमारा आंसर आ जाता था। अब श्री धराचार्य जी में इसके आगे हमको क्या करना है वो देखिए आप। तो क्या करना है, सबसे पहले आप क्या कर लो, इधर का सॉल्व कर लो, इधर का सॉल्व कर लीजिए, तो एलसीएम आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4ac प्लस b स्क्वायर। एलसीएम लेने के बाद ये आएगा, जिसको हम b स्क्वायर माइनस 4ac भी वी कैन राइट, है ना? अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से इधर क्या मिल जाएगा आपको, x प्लस बी बाय 2a, और इधर क्या मिल जाएगा आपको, डिवीजन में 2a तो मिल जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और a स्क्वायर का a हो जाएगा। अच्छा ये आएगा किस में, प्लस माइनस में, और ऊपर क्या हो जाएगा, रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना? अब इस b बाय ए को उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस बी बाय टू ए प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। दोनों में देखो एलसीएम क्या आ रहा है,
टू ए आ रहा है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। दिस इज योर श्रीधराचार्य जी रूल, उन्हीं का रूल है ये। यू हैव गॉट द फॉर्मूला, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय टू ए, ये फॉर्मूला होता है। तो अब सर x, x की तो दो वैल्यूज होती है, यहाँ पे तो एक ही फॉर्मूला बताया है। बेटा दो फॉर्मूले हैं, यहाँ पे देखिए बीच में प्लस और माइनस है, तो एक बार आपको प्लस लेके सॉल्व करना है, दूसरी बार आपको माइनस लेके सॉल्व करना है। तो दो आपको रूट्स मिल जाएंगे जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा एंड बीटा से। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय टू ए। एंड बीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय टू ए। तो ये दो रूट्स हो जाएंगे। हमने मान लिया कि दो जीरो से अल्फा एंड बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, है ना। तो वो अल्फा बीटा की वैल्यू आपको मिल गई है, ठीक है। अब इसमें ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो होता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आपको डिस्क्रिमिनेंट का क्या हो गया, फॉर्मूला मिल गया। तो अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है फॉर्मूला, तो कैसे लिख सकते हैं आप, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी डिवाइडेड बाय टू ए। तो डी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, विच इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी से जो है सारी चीजें डिसाइड हो जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। पढ़ेंगे हम उसको भी आगे पढ़ेंगे, अभी हम श्रीधराचार्य जी का रूल अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और इससे हम धड़ाधड़ से लाइन से क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो रेडी फॉर द क्वेश्चंस चैंपियंस। पहले आप नोट कर लीजिए फटाफट इसको, वीडियो को पॉज करके। तो फटाक से एक क्वेश्चन लिया जाता है, क्वेश्चन क्या लिया जाए। तो डिस्क्रिमिनेंट, आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने को क्वेश्चन आता है, तो उसके क्वेश्चंस में करवा देता हूँ। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू, एक क्वेश्चन है मान लो, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, ये एक क्वेश्चन है, इसका आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने बोल रहे हैं। पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना सीख जाओ बच्चों, देन फिर हम ये रूल अप्लाई करेंगे, तो उससे क्या होगा आपको ईजी वे में समझ में आएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, तो क्या होता है फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट का, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, है ना। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब यहाँ पे बताइए बी की वैल्यू, अब यहाँ पे वैल्यूज निकालना आपको आना चाहिए, जो आप फर्स्ट लेक्चर में सीख के आए हैं, आपको सिखा चुका हूँ मैं कि वैल्यूज कैसे निकालते हैं। तो बी मतलब क्या है, एक्स का कोफिशियंट, और एक्स का कोफिशियंट कितना है, माइनस फोर। तो माइनस फोर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस फोर। ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कितना है, कुछ नहीं मतलब वन। सी मतलब कांस्टेंट टर्म कितना है, टू, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8, 16 माइनस 8 दैट इज 8। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका कितना आया, 8 आया, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि मान लो रूट वाला एक क्वेश्चन ले लेते हैं, रूट थ्री एक्स स्क्वायर। रूट वाले क्वेश्चन से पता नहीं बच्चों को क्यों डर लगता है, रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट टू एक्स माइनस टू रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है आपको, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू, बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी मतलब एक्स का कोफिशियंट, तो एक्स का कोफिशियंट कितना है, माइनस टू रूट टू का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, रूट थ्री, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है माइनस टू रूट थ्री। समझ में आता है, आता है कि नहीं आता है। चलिए तो माइनस टू का स्क्वायर 4 और रूट टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2, तो 4 टू जा 8 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 टू जा 8 और रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना हो जाएगा, 3, तो 8 थ्री जा कितना हो गया, 24, दैट मीन्स 32 इज योर डिस्क्रिमिनेंट फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने को आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, अभी भी संतुष्टि नहीं मिली ना, है ना। तो सेटिस्फैक्शन इज मस्ट, तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस प्लस
टू क्यू इज इक्वल टू जीरो। अब ये क्या क्वेश्चन दे दिए सर, अरे कुछ नहीं करना है आपको, रूल फॉलो करना है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी की वैल्यू कितनी है पी, तो पी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए की वैल्यू वन और सी की वैल्यू कितनी टू क्यू, दैट मीन्स पी स्क्वायर माइनस फोर टू जा एट क्यू, दैट इज योर आंसर। डिस्क्रिमिनेंट मिल गया, फटाफट से नोट कर लीजिए ताकि हम आगे, अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना आ गया, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्ट रूट्स फाइंड आउट करेंगे अल्फा एंड बीटा की वैल्यू। ओके चैंपियंस, तो नोट कर लीजिए। ओके चैंपियंस, अब हम सॉल्व करते हैं, श्रीधराचार्य जी का रूल अप्लाई करते हैं। तो क्या है, एक क्वेश्चन उठाता हूँ मैं, फर्स्ट क्वेश्चन, 9x² प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अब इसको हमको क्या करना है, इसके रियल रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो रियल रूट्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम मान लेते हैं उसके रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा, लेट अज्यूम कर लिया मैंने, अल्फा एंड बीटा इज द आर द रूट्स ऑफ आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और द रूट्स और द जीरोज। ठीक है, ओके तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करो, ए की वैल्यू लिख लो, ए इज इक्वल टू 9, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू कितनी है माइनस 2। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लो, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। अभी हमने सीखा है डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इससे क्या होगा सॉल्यूशन आपका इजी हो जाता है, डिस्क्रिमिनेंट अगर अलग से फाइंड आउट करते हैं लो। तो बी की वैल्यू कितनी है 7² माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 9 इंटू सी की वैल्यू माइनस 2। जरूरी नहीं है कि अलग से ही सॉल्व करना है, आप फॉर्मूले में डायरेक्ट आप सॉल्व करके वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपका कैलकुलेशन कितना स्ट्रांग है वो आपके डिपेंड करता है। माइनस माइनस प्लस, 4 9 जा कितना होगा, अच्छा 4 2 जा 8, 8 9 जा कितना होता है 72, 9 + 2 11, 121 है ना। तो डी की वैल्यू हमारी आ गई 121। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, श्रीधराचार्य जी का रूल अप्लाई करना है। तो x इज इक्वल टू क्या होता था, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी डिवाइडेड बाय 2a, ये हुआ करता था, जिसमें से अल्फा इज इक्वल टू हमने लिखा था माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a, एंड बीटा इज इक्वल टू हमने लिखा था माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है 7, तो माइनस 7 प्लस रूट डी की वैल्यू कितनी आई 121, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 9, बीटा इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस रूट 121 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9। अब 121 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों, ये आपको लर्न होना चाहिए, एटलीस्ट 30 तक के स्क्वायर रूट्स आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो लर्न कर लीजिए फटाफट। तो माइनस 7 प्लस 121 जो है 11 का स्क्वायर रूट होता है, 29 जा कितना होगा 18, बीटा इज इक्वल टू कितना हुआ माइनस 7 माइनस 11 अपॉन 18, 11 में से 7 गया कितना बचा 4 बचा, 18 बीटा इज इक्वल टू कितना बचा माइनस 18 अपॉन 18, तो 18 1 जा 18 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया माइनस 1, तो बीटा की वैल्यू आपकी आ गई माइनस 1, तो एक रूट हो गया नेगेटिव में, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, तो 2/9 दैट इज योर अल्फा। तो एक रूट हो गया, एक जीरो हो गया इसका 2/9 और एक क्या हो गया माइनस 1, दैट इज योर क्वेश्चन। समझ में आया, इजी है ना, डिस्क्रिमिनेंट पहले से सॉल्व आपकी मर्जी है, हम करेंगे आगे बढ़ेंगे, हम डायरेक्ट भी करवाऊंगा मैं आपको क्वेश्चन, डोंट वरी। पहले आप समझने की कोशिश करो कि एक्चुअल में फॉर्मूला अप्लाई कैसे किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 उठाओ, अरे उठाना मतलब ऐसे नहीं उठाना बच्चों, लिखूं उठाऊं बोल दिया मतलब बच्चे कहां से उठाएंगे सर। चलिए, तो CBSE के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन किया जाता है, एक मस्त मज़ेदार वाला अच्छा क्वेश्चन, पी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। चलो वीडियो को पॉज करके फटाफट सॉल्व कीजिए, तब तक मैं इसमें इंक डाल देता हूँ बच्चों, है ना। Try it this question.
2 सेकंड लगेगा मुझे इसमें इंक डालने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। थोड़ा सा इंक, इसको भी क्या है नींद आ रही है, तो टी और कॉफ़ी इसको भी पिलाना बहुत ज़रूरी है। नाउ आई एम रेडी। हैव यू सॉल्व द क्वेश्चन? हैव यू सॉल्व और नॉट? नॉट, ओके। चलिए तो सबसे पहले ए की वैल्यू अल्फा एंड बीटा दो रूट्स है ना, अल्फा एंड बीटा दो रूट्स है, लेट एज्यूम कर लिया हमने, वो बार बार लिखने की जरूरत नहीं, वो आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था, वैसे एज्यूम करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ए की वैल्यू लिख लो पी स्क्वायर, ये ए बी सी की वैल्यू जरूर लिख लिया करो, इससे क्या हो जाता है हमारा क्वेश्चन 100% करेक्ट होने की संभावनाएं प्रोबेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। 100% करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जो है स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। चलिए तो ये ए बी सी की वैल्यू लिख लिया हमने, फिर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, फॉर्मूला लगाएंगे, b की वैल्यू कितनी है, बी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 into व्हाट इज द ए, ए इज द पी स्क्वायर, व्हाट इज द सी, सी इज द माइनस क्यू स्क्वायर, पुट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होल। अच्छा इसको एक काम करते हैं हम, इसको हम अप्लाई कर देते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हो, तो पी स्क्वायर पी टू द पावर 4 प्लस क्यू टू द पावर 4 माइनस 2p² क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 4p² क्यू स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखिए, अब ये माइनस 2 और ये प्लस 4, आंसर कितना आएगा, बाकी तो सेम है ना, p² q² प्लस 2 में आएगा। अब ये किस फॉर्म में दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में दिख रहा है, मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, p² प्लस q² का होल स्क्वायर, है ना। तो डी वाला सॉल्यूशन देखो, अगर इस डी को आप पहले सॉल्व नहीं करते और इस फॉर्मूले में आप लिख के सॉल्व करते डायरेक्ट फॉर्मूले में, तो इससे क्या हो जाता है, यहाँ पे बहुत हौचपोच हो जाता है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बच्चों, ठीक है। इतने सारे स्टेप्स आपको यहाँ पे करने पड़ते हैं, अब हमारा इजी हो गया, अब एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा दीजिए, डायरेक्ट लगा दें फॉर्मूला, डायरेक्ट लिख लो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ओवर डी डिवाइडेड बाय 2a एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। अब अल्फा, अल्फा माइनस बी की वैल्यू कितनी है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, प्लस डी की वैल्यू कितनी आई है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर आया है तो हमारा अच्छा हो गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया। देखो आप पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लिया हमने, कितना ईजी हो गया, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया, अदरवाइज यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बच्चों, बहुत ही हॉचपॉच हो जाता है, तो समझ में नहीं आता है। पी स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है, पी स्क्वायर, तो बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into पी स्क्वायर, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्यू स्क्वायर, ये देखो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो गया, ये देखिए पी स्क्वायर कैंसिल आउट, नीचे क्या बच गया, 2p². बीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्यू स्क्वायर माइनस ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p². अब यहाँ से देखिए क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, q² तो 2q² डिवाइडेड बाय 2p², 2 विल बी कैंसिल आउट, अल्फा इज इक्वल टू क्या मिल गया, q² डिवाइडेड बाय p², ठीक है। बीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस 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 2p² डिवाइडेड बाय 2p², तो यहाँ से तो पूरा ही पूरा कैंसिल आउट हो गया, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -1, तो अल्फा इज इक्वल टू q² बाय p² और बीटा इज इक्वल टू -1, ठीक है, क्लियर है। अगर आप चाहते हैं कि अपना को आपका क्वेश्चन रॉन्ग आया कि करेक्ट आया, तो चेक करना चाहते हैं, तो इस अल्फा की वैल्यू आप x के प्लेस पे यहाँ पे पुट करके सॉल्व करके देख लीजिए, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
और बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देख लीजिए, एक्स के प्लेस में माइनस वन, जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो नोट इट डाउन, अच्छा क्वेश्चन था ये, गुड क्वेश्चन, क्लैप फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, एक और क्या, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हमको, फटाफट से नोट करूँ, नोट डाउन कर लीजिए। ओके चैंपियंस, तो एक और सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन करते हैं हम, क्या है, 9x square माइनस 9 a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a square प्लस 5ab प्लस 2b square इज इक्वल टू जीरो। जब भी ऐसे बड़ा बड़ा इक्वेशन होते हैं ना, तो बच्चे चैंपियंस डिस्क्रिमिनेंट को आप अलग से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, उसे हॉचपॉच नहीं होगा और आपका आंसर क्लियरली 100% करेक्ट आएगा। तो a की वैल्यू लिख लीजिए 9, b की वैल्यू माइनस 9 इंटू ए प्लस बी, एंड c इज योर 2a square प्लस 5ab प्लस 2b square, ठीक है। क्या करना है अब, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला होता है, लगा दीजिए, बी स्क्वायर मतलब माइनस 9 a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 9, सी की वैल्यू कितनी है 2a square प्लस 5ab प्लस 2b square। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे डर जाते इतने बड़े बड़ा जो है क्वेश्चन देख के, बिल्कुल डरना नहीं है। ये 5ab है ना बच्चों, 5ab और ये 2b square। आगे बढ़ते हैं, अब सिंपल स्क्वायर कर दीजिए, 81 a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 81 b स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो 2ab, 2 इंटू 81 कितना होगा 162 ab, है ना। यहाँ पे भी वैसे ही करना है आपको, माइनस यहाँ नीचे लिख देता हूँ, 49 जा कितना होता है, 49 जा कितना होता है, 49 जा 36, 36 2 जा कितना होगा 72 a square प्लस माइनस माइनस, 36 5 जा कितना होगा 36 2 जा 72, है ना, 36 4 जा कितना होगा 144, है ना, और 144 में 36 ऐड कर दीजिए तो 170 और 180 कितना हो जाएगा 180, तो 36 5 जा 180 इंटू ए बी और प्लस माइनस माइनस 36 2 जा अगेन 72 बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 81 a square माइनस 72 a square, मतलब 81 में से 72 क्या कितना बचा, a square तो मैं एज इट इज लिख दूंगा, इन दोनों को ध्यान से देखिए, तो 81 में से 72 क्या कितना बचा, 81 में से 72 क्या 8 plus 1 9 a square, इज इट क्लियर। सिमिलरली 81 b square माइनस 72 b square प्लस 9 b square, है ना, माइनस देखो ये 180 है, ये 162 है, ए बी तो एज इट इज रहेगा, 180 में से 162 माइनस करेंगे, अब 180 बड़ा है तो इसलिए आंसर नेगेटिव में आएगा, 180 में से 162 माइनस कीजिए कितना आएगा 18 आएगा, कितना आएगा 18, इनमें से 9 कॉमन ले लो तो क्या मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जिसको हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी का, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, और इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ 3 a - b का होल स्क्वायर ये लिख सकता हूँ। तो d की वैल्यू होल स्क्वायर के फॉर्म में अगर आपको मिलती है तो कितना अच्छा है, क्योंकि फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट करने पर सॉल्व हो जाएगा। अब डायरेक्ट आप क्या करो, दो रूट्स लिख लो या दो जीरोस लिख लो, अल्फा माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a, जरूरी नहीं है कि अल्फा के प्लेस में आपको प्लस लिखना है बीच में, ऐसा कोई कंपलसेशन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आप नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव भी ले सकते हैं, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है माइनस 9 a plus b, ये है बी की वैल्यू, ठीक है, प्लस डी की वैल्यू कितनी आई तो 3 a - b का होल स्क्वायर ये आई, डिवाइडेड बाय 2 a, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 9 है, सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही मिलेगा, है ना,
बस माइनस साइन हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, आप लोग खुद कर लेना ठीक है। बाकी सब चीज़ तो सेम रहेगा ना, बस बीच में माइनस साइन हो जाएगा। तो इधर सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9a+9b। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3a-3b/2×9। बीटा के केस में क्या हो जाएगा, 9a+9b- साइन है अब, तो माइनस साइन है तो -3a और +3b 2×9। पुट करके चेक कर लो, यही मिलेगा। अब यहाँ से क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। 9a 3a कितना हो जाएगा, 12a, और 9 में से 3 गया कितना बचा, 6b/2×9 है ना। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, 6 कॉमन ले सकते हैं, तो 6 जो है 2a+b मिल जाएगा। अब 2×3×3 कर दो, तो 2 3 या 6, 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन में क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू आ गई है 2a+b/3। बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 9a में से 3a गया कितना बचा, 6a बचा। 9b+3b कितना होगा, 12b/, इसको मैं 2×3×3 लिख देता हूँ, अगेन मैं 6 कॉमन लूंगा, तो ब्रैकेट में बचेगा a+2b/6×3, तो 6 6 कैंसिल आउट, तो बीटा की वैल्यू हमको क्लियर हो गया, a+2b/3। अगेन दिस इज अ गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये, तो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से वीडियो को पॉज करके। एक और हम क्वेश्चन करेंगे अच्छा वाला, एनसीईआरटी से उठाते हैं अब क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी और सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 1/(x-1)-2=3। इसमें साइड में क्या गिवन होगा बताओ बच्चों, x इज नॉट इक्वल टू व्हाट। एक तो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 होगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, और एक तो 2 नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ 2 होगा 2-2 होगा 0 और इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये दो वैल्यूज जो है x की होनी ही नहीं चाहिए, अगर ये दो वैल्यूज आती हैं तो आप रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस करवाया भी था मैं लास्ट लेक्चर में। x-2-x=3। अब ये क्या हो जाएगा, x-x कैंसिल हो जाएगा, -2=, ये 3x²-3×2=6x। अब -2 को उधर ट्रांसपोज करो तो 3x²-6x+2=0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। फटाक से क्या करो, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लो, b²-4ac। बी की वैल्यू कितनी है, -6² - 4×a × c की वैल्यू कितनी है, 2। देखो डिस्क्रिमिनेंट अलग से निकालने का एक और प्रॉफिट है, बी की वैल्यू या सी की वैल्यू मान लो नेगेटिव में है या ए की वैल्यू नेगेटिव में है, तो यहाँ से हमको पता चल जाता है, पर हम डायरेक्ट फॉर्मूले में जब पुट करते हैं ना तो कभी कभी वहाँ पे मिस्टेक कर बैठते हैं, ठीक है। तो इसलिए अलग से सॉल्व करना इज द बेनिफिशियल, नॉट मैंडेटरी, दैट इज बेनिफिशियल। 36-4 3 = 12, 12 2 = कितना होगा, 24। कितना आएगा, ये 12 आएगा ना, डिस्क्रिमिनेंट 12 आ गया। एक बार फिर से रीचेक कर लेंगे, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे, चलिए देखते हैं। रूट में आएगा आंसर लग रहा है, रूट में आ रहा है क्या, हाँ जी रोड में आ रहा है। चलिए तो चलिए ये हमारा करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, अल्फा अल्फा या फिर डायरेक्ट आप लिख दो x=-b±√d/2a। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग ना करके एक साथ। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -6, तो यहाँ पे -6 पुट करूँगा मैं, +√d की वैल्यू कितनी है, 12, ठीक है, अपॉन 2×a की वैल्यू कितनी है, is 3 है ना, a=3। तो 2 3 या 6 हो गया, ये --+6 हो गया, ये हो जाएगा। देखो √12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2×2×3, 4 3 = 12 लिख सकते हैं, नीचे 2×3, x=6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2×3+-, इसको देखो 2 बाहर आ जाएगा, √3 बचेगा, 2×3,
तो अब देखो ये 2 2 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 3 प्लस माइनस √3 / 3। अब ये रूट में है इसीलिए अब ऐसे आंसर लिख दो, क्योंकि सॉल्व नहीं हो सकता आगे। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पे आपका ख़त्म होता है, पहले आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे आपका ख़त्म होता है क्या, श्रीधराचार्य जीस रूल, है ना। अब आगे हम इसी डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इससे हम पहचानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फीचर्स जानेंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कीजिए बच्चों, अगर आपको कोई डाउट होता है आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम सारे डाउट्स आपके क्लियर करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।